बारिश नहीं बरसी तो सारे लोग फिरौन के पास आए। उन्होंने कहा भाई अना रब्बू कुमुल आला, तू रब है, दावा भी तू रब्बे आला होने का रखता है, तो बारिश बरसा, बारिश क्यों नहीं बरसा रहा। उसने कहा अब तो तुम चले जाओ, कोई मसला है, अब नहीं बारिश आएगी, पर थोड़ी देर तक बारिश आ जाएगी। देखा उसके पास ना ऊन का लिबास था, जो अल्लाह के दोस्तों का लिबास है, सूफियों का लिबास। उसने वो लिबास लिया और दूर किसी वीराने में चला गया। उसने ना वहां जाके वो अपनी शाही पोशाक उतारी और वो ऊन का लिबास पहन लिया और वो मट्टी पे सर रख के कहता है पता है रब तू ही मैं बारिश नहीं बरसा सकता, बारिश तू ही बरसाएगा। अब जो भी है मैं आ गया और मुझे खाली ना बैठा। लिखा कि फिरौन के वापस पहुंचने से पहले पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। फिरौन, हजरत फिरौन वो इतना करीम रब है, वो इतना करीम है। तुम तो सारे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में बैठे, तुम्हारे पास तुम्हारे पास तो टैग ही बहुत बड़ा है। हाँ तुम्हारे पास तो टैग ही बहुत बड़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारे पास तो टैग ही बहुत बड़ा है। जो होता है ना वो आया वो आया वो आया, ठीक है, तो जब वो आया तो फिर वो क्या कहता हो, ध्यान करी फलाने का भेजा है, तुसी होना दे। कुंतु खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और तुम तो वो हो कि नबी मांगते रहे या अल्लाह ये उम्मत हमें दे दे, कदर ही नहीं अपनी की है, हमने खुद ही अपनी बेकदरी की है।